हेलो, आप देख रहे हैं thelallentop.com और मैं हूं निखिल। उल्टी, इसे देखकर क्या सुनकर ही मन खराब हो जाता है, पर क्या आपको पता है कि आप उल्टी से करोड़पति भी बन सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया क्योंकि वो उल्टी बेचने के लिए मुंबई आया था। ये ऐसी वैसी उल्टी नहीं थी, करोड़ों की कीमत वाली थी। इसे अवैध रूप से बेचने पर पुलिस पकड़ के भी ले जाती है क्योंकि ये थी वेल मछली की उल्टी जिससे परफ्यूम बनता है। मुंबई में गिरफ्तार शख्स के पास से 1.3 किलो उल्टी बरामद हुई है, 1.25 किलो से थोड़ी ज़्यादा। बाजार भाव में इसकी कीमत 1,70,00,000 के करीब थी। गिरफ्तार शख्स पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको 3 किरदारों के बारे में बताएंगे, एक मछली, उसका खाना और उसकी बेशकीमती उल्टी। सबसे पहले मछली की बात करते हैं। ये उल्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं स्पर्म वेल की थी। वेल मछलियों की एक खास किस्म जो अपने भारी भरकम सिर के चलते अलग ही पहचान में आती है। पूरी तरह विकसित स्पर्म वेल एक स्कूल बस से भी बड़ी हो सकती है। 49 से 59 फीट तक की लंबाई इसकी हो जाती है और 35 से लेकर 45 टन तक इसका वजन हो सकता है। धरती पर आज तक जितने जीव हुए हैं हिस्ट्री में और अब जितने जीते हैं उनमें सबसे बड़ा दिमाग स्पर्म वेल का ही होता है। दिमाग के अलावा स्पर्म वेल के फेफड़े भी बहुत कमाल के होते हैं। एक बार में ये 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक का गोता लगा सकती हैं, बहुत गहरे जा सकती हैं समंदर में और इतने वक्त में खाने की तलाश में 1 किलोमीटर तक की गहराई तक जा पाती हैं। अब बात करते हैं मछली के खाने की। भारी भरकम स्पर्म वेल बड़ी पेटू भी होती हैं। इन्हें पसंद होती हैं मछलियाँ, खासकर कटलफिश और स्क्विड। स्क्विड गहरे पानी में रहने वाला एक समुद्री जीव होता है। लंबे बदन के इस जीव के ऑक्टोपस की तरह 8 हाथ होते हैं, हाथों के अंदर एक चोच होती है, दिखने में बहुत डरावना होता है। तो इसके इर्द गिर्द कई मिथक भी गढ़े गए हैं वेस्ट में खासकर। स्क्विड रहती है तकरीबन 1 किलोमीटर के गहरे समंदर में और यहीं आकर स्पर्म वेल इनका शिकार करती है। अब आते हैं मछली की उल्टी पर जिसके लिए ये सब कुछ कवायद हो रही है। स्पर्म वेल की जो उल्टी मुंबई में स्मगल होती पकड़ी गई है उसे कहते हैं एम्बरग्रिस। लेकिन स्पर्म वेल की हर उल्टी एम्बरग्रिस नहीं होती, कन्फ्यूज मत होइए, धीरे धीरे समझाते हैं। चक्कर यह है कि वेल स्क्विड और कटलफिश की चोच और हड्डियां नहीं पचा पाती, जो मांस मांस होता है वो पच जाता है, तो वो इन्हें उल्टी करके शरीर से बाहर निकालती हैं। लेकिन कई बार ये जो हड्डियां होती हैं, जो चोच होती है स्क्विड की, वो स्पर्म वेल की आंत में फंसी रह जाती है। आंत में हिलने डुलने से इसमें छोटे छोटे टुकड़े मिलकर बड़े हो जाते हैं और इनमें बाइंडिंग फोर्स का गोंद का काम करता है बाइल, यानी कि जो वेल के लीवर से निकलने वाला पाचक रस होता है वो। ऐसे वेल की आंतों में बनता है एम्बरग्रिस। ऐसा माना जाता है कि एम्बरग्रिस के चलते वेल की आंतें स्क्विड की तीखी चोट से लगने वाले घाव से बची रहती हैं। एम्बरग्रिस वेल के शरीर की अतड़ियों में बनता है, ये क्लियर है। लेकिन बाहर कैसे आता है इस बात को लेकर कुछ मतभेद है। एक मत है कि वेल एम्बरग्रिस को उगलती हैं, यहीं से एम्बरग्रिस के वेल वॉमिट या वेल की उल्टी होने की बात आई। दूसरे मत के मुताबिक ये वेल के पाखाने के साथ बाहर आता है। और एक तीसरा मत है, इसके मुताबिक एम्बरग्रिस जाकर वेल के मलाशय यानी कि रेक्टम में फंस जाता है। वहाँ फंसे फंसे वो इतना बढ़ जाता है कि वेल का मलाशय फाइनली फट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज तक कम ही ऐसा हुआ है कि एम्बरग्रिस किसी वेल के कंकाल में मिला हो। सिर्फ 5% कंकालों के साथ ऐसा हुआ है कि उनमें एम्बरग्रिस फंसा मिला है। अब आते हैं इस सवाल पे कि परफ्यूम कैसे बनता है इस उल्टी से। एक बार जब स्पर्म वेल एम्बरग्रिस को शरीर से बाहर निकाल देती है तो ये चिपचिपा और काले रंग का जो मटेरियल होता है पानी में तैरने लगता है। तब इससे बड़ी तेज़ बदबू निकलती है। लेकिन वक्त के साथ समंदर के पानी और धूप का असर होता है इस पे और बदबू धीरे धीरे कम होने लगती है। काले से इसका रंग बदलकर ग्रे और फिर आखिर में पूरा सफ़ेद हो जाता है। सख्त मोम की तरह होता है ये। और जैसे जैसे इसका रंग बदलकर काले से सफ़ेद होता है बदबू की जगह खुशबू आ जाती है। समंदर में तैरते तैरते एम्बरग्रिस लहरों के साथ किनारे तक आ जाता है। लेकिन कई बार इसमें सालों साल लगते हैं। वक्त के साथ चूँकि एम्बरग्रिस की खुशबू बढ़ती जाती है इसीलिए एम्बरग्रिस जितना वक्त समंदर में तैरता है उतना ही उसे कीमती माना जाता है। एम्बरग्रिस से एक पदार्थ निकलता है एम्ब्रीन नाम का। इसमें महक नहीं होती है लेकिन इसे परफ्यूम में मिलाने से उसकी खुशबू ज़्यादा वक्त तक बनी रहती है, एक बाइंडर का काम करता है। इंसान परफ्यूम के लिए तकरीबन 1,000 साल से एम्बरग्रिस का इस्तेमाल कर रहा था लेकिन कई सालों तक हमें नहीं मालूम था कि ये दरअसल वेल की उल्टी है। अब आते हैं इस सवाल पे कि ये उल्टी इतनी कीमती क्यों होती है जब ये उल्टी ही है। तो स्पर्म वेल में भी बहुत कम ऐसी होती हैं जो एम्बरग्रिस बनाती हैं, फिर इसके समंदर में तैरते तैरते या किनारे लगने के बाद किसी को मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसे एम्बरग्रिस बेहद महंगा होता है। काले एम्बरग्रिस में सबसे कम एम्बरीन होता है इसलिए उसकी कीमत कम होती है। रंग के साथ साथ एम्बरीन की मात्रा बढ़ती है और जब ये पूरी तरह सफ़ेद हो जाता है तो सबसे ज़्यादा कीमत मिलते हैं सफ़ेद एम्बरग्रिस की। अब आते हैं इस सवाल पे कि क्या एम्बरग्रिस के इस्तेमाल से स्पर्म वेल को खतरा है। जिन परफ्यूम्स में एम्बरग्रिस का इस्तेमाल होता है वो बहुत महंगे बेचे जाते हैं
पुराने दौर में एम्ब्रोग्रिस स्पर्म वेल के शिकार की एक बहुत बड़ी वजह भी था। लेकिन चूंकि एम्ब्रोग्रिस बहुत महंगा होता है, वक्त के साथ परफ्यूम बनाने वाले सिंथेटिक एम्ब्रोग्रिस की तरफ मुड़ गए। लेकिन कुदरती एम्ब्रोग्रिस की आज भी अच्छी खासी डिमांड है और लोग इसके अच्छे खासे पैसे चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। समंदर में तैरते एम्ब्रोग्रिस को इकट्ठा करने से वेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर भी दुनिया के कई सरकारों ने एम्ब्रोग्रिस के इस्तेमाल पर बैन लगाया है ताकि इससे स्पर्म वेल के शिकार को बढ़ावा न मिले। मिसाल के लिए अमेरिका में ये बैन है, लेकिन चूंकि फ्रांस जैसे बाजारों में एम्ब्रोग्रिस की काफ़ी डिमांड है और खरीदार महंगी कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो एम्ब्रोग्रिस इकट्ठा करने वाले और उन्हें बेचने वाले इस काम में लगे रहते हैं। वैसे कई बार ये लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि एम्ब्रोग्रिस के चक्कर में समंदर के किनारे पत्थरों से ये लोग कन्फ्यूज होते हैं। एम्ब्रोग्रिस का इस्तेमाल सिर्फ परफ्यूम के लिए ही नहीं होता है। अरब में लोग इसे अनबर कहते थे पुराने वक्त में। इसका इस्तेमाल वो लोग धूप, जो खुशबू वाली धूप बत्ती होती है, उसके लिए दिल और दिमाग की दवा के तौर पर भी किया करते थे। चलते चलते आपको एक और फन फैक्ट बता देते हैं, स्पर्म वेल को उसका नाम कैसे मिला इसकी कहानी भी दिलचस्प है। इस वेल के बड़े से सिर में एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है जिसे कहते हैं स्पर्मेसिटी। वेल के शिकार करने वालों को ये वीर लगता था, माने कि स्पर्म लगते थे। तब से लेकर अब तक इंसान नहीं जान पाए कि स्पर्मेसिटी का काम क्या होता है। हम ये जानते हैं कि वो स्पर्म्स नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि ठंडा होने पर मोम की तरह जम जाने वाले इस पदार्थ से वेल को बॉयंसी मिलती है, यानी कि पानी में ऊपर उठने में मदद मिलती है। खैर जो भी हो, इससे वेल को नाम जरूर मिल गया, स्पर्मेसिटी वेल। यही स्पर्मेसिटी छोटा होकर के स्पर्म बन गया और इसका नाम पड़ा स्पर्म वेल। 1851 में अमेरिका में एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल लिखा गया था मोबी डिक नाम से। ये एक बड़ी सी स्पर्म वेल जो कि सफ़ेद रंग की थी और कुछ जहाजियों यानी कि वेल हंटर्स की लड़ाई की कहानी थी। ये नॉवल बहुत मशहूर हुआ था और इस पर फिल्में भी बनी थी और मोबी डिक भी एक स्पर्म वेल ही थी। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी सुधार की गुंजाइश है वो भी। बहुत बहुत शुक्रिया।